अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। सबसे पहले एविल दूंगा और उसके बाद दूंगा एक एंटीबायोटिक एक्सेल। मैं क्यों दे रहा हूँ इसका डिटेल्स मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए तब तक के लिए बने रहें। ये एविल है 2 ml, क्यों दे रहा हूँ बताऊँगा इंशाल्लाह। मैं अकेला हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा दूर का बन रहा है। एविल में इसको दे दिया, उसके बाद में जो दूंगा वो एक्सेप्ट। अब मैं क्यों दे रहा हूँ इसका फिर पूरा वीडियो में आपको मिलेगा, एंड तक बने रहे। तो पहले मैं इसको धो लेता हूँ। एक ज़रूरी बात, जब आप इंजेक्शन देना जानते हैं तो ही इंजेक्शन दें, खुद से डॉक्टर ना बने या फिर जो एक्सपर्ट है उनसे दिलवाएं। ये एक्सेप्ट मैं क्यों लिया हूँ इसका डिटेल मैं बताऊँगा आपको। कल मैंने इसको टेट्रासाइक्लिन दिया पर कोई असर नहीं हुआ दोस्तों, ये एक्सेस में ले लेता हूँ। 10 ml का आटा है दोस्तों, हाफ दूंगा। ये 500 mg का है जो कि 4 मंथ के बच्चे के लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको हाफ दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। ये 10 ml का मैंने एक बार में बना लिया और अभी मौसम ख़राब होने के वजह से दोस्तों बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है बकरों में, गोट्स में, इसलिए मैंने इसको 10 ml का बना लिया एक बार में। 5 ml लेना है दोस्तों, 5 ml नहीं दोस्तों, इसको 4 ml में दे रहा हूँ। दुआ कीजिएगा, इसका रिजल्ट भी आगे दिखाएंगे इंशाल्लाह। चार एम एल का मैंने ले लिया एक सिर्फ, और कल से बीमार है काफ़ी, वर्ड्स दम लेता, देख सकते हैं इंजेक्शन देने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल। थैंक्स फॉर नाउ, बाय। अस्सलाम वालेकुम।